राजीव जी एक बात बताइए, अभी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है ठीक है ना, और जिसपे बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही आ रही हैं जी जी, तो उसके बारे में आपकी नजर से क्या होता है, क्या देखते हैं कि क्या रहेगा बसपा के खेमे में, उसको बताएं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जी। सपा गठबंधन बसपा गठबंधन का एक आपने देखा होगा कैराना की सीट जी, कैराना की सीट हम लोग जीते, और उससे पहले आपने देखा उपचुनाव हुआ था फूलपुर और गोरखपुर का जी। तो फूलपुर और गोरखपुर का जब उपचुनाव हुआ तो दोनों ही सीट जो है सपा और बसपा गठबंधन जीता जी। मैं उस पर लिखा था और उसके बाद में एक कविता एक शायरी पढ़ के मैं उसको पूरा बताऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ शायरी में जो मैं कह पाऊंगा, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जो है एक बहुत अच्छे शायर हैं इस देश के, जो हकीकत के साथ चलते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मुझे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं आज इस टीवी के माध्यम से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, तो उनके लहजे में कुछ कहना चाहता हूँ जी। तो इस पे जो है सपा और बसपा गठबंधन पे जो समझौता हुआ तो हम दोनों सीट जीते, एक सीट पे जो है मुख्यमंत्री की सीट थी गोरखपुर, और दूसरी उप मुख्यमंत्री की थी केशव की जी। तो मैंने उसमें चार पंक्तियां उस समय मैंने पहली बार लिखी, क्या लिखी वो आपको मैं साझा करता हूँ जी। तीर समझौते का चलाया है, तीर समझौते का चलाया है, योगी केशव को भी हराया है, ये तो मायावती की माया है, ये तो मायावती की माया है, भुआ बबुआ ने कर दिखाया है। तो जो करके दिखाया है तो उससे मुझे पता चल रहा था कि आने वाले समय में सपा और बसपा गठबंधन बहुत ही प्रभावशाली होगा और उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत के साथ उतरेंगे। तो आज गठबंधन हुआ है तो मैं गठबंधन पर थोड़ा सा एक पंक्ति और सुना देता हूँ कि बसपा और सपा गठबंधन जीतेगा, बसपा और सपा गठबंधन जीतेगा, बहुजनों का बुरा समय अब बीतेगा, बहुजनों का बुरा समय अब बीतेगा, और भर गया है घड़ा पाप से मोदी जी, भर गया है घड़ा पाप से मोदी जी, 2019 में घड़ा ये रीतेगा। तो जी सपा और बसपा गठबंधन है उसको बहुत बहुत मंगल कामना है कि 2019 में बहुत अच्छा परफॉर्म होगा, और झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश से जो है बहुत अच्छी सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की निकल के आएंगी, और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री जरूर बनेगी, तो मैं माननीय बहन जी प्रधानमंत्री 2019 में जरूर बने इस पे एक पंक्ति और मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। माननीय बहन जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको मैं आगामी में बधाई पढ़ना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहिए हमें प्रधानमंत्री बहन जी को, इस पे मैं एसएम न्यूज़ के माध्यम से वो बातें साझा करता हूँ, और आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं तो आप ज़रूर प्लीज़ आप शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा लोगों को जो पता चले कि आज पहली बार जो है मैं एसएम न्यूज़ पे जो है लाइव आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरा आभार करता हूँ एसएम न्यूज़ का, और माननीय बहन जी को क्यों प्रधानमंत्री हमें बनाना चाहिए वो बात समझिए आप, मैं एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ कि आयरन लेडी गुंडा राज मिटाएगी, आयरन लेडी जिंदा देवी गुंडा राज मिटाएगी, मायावती जी गुंडा राज मिटाएगी, जिंदा देवी गुंडा राज मिटाएगी, पीएम का चेहरा बनकर सामने आएगी, पीएम का चेहरा बनकर सामने आएगी, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर, और जो मैं अब कहने जा रहा हूं अगर उस पर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जरूर शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अरे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर, जिंदा देवी गुंडा राज मिटाएगी,
पीएम का चेहरा बनकर सामने आएगी, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर, और चाय पकोड़े मोदी से बिकवाएगी, चाय पकोड़े मोदी से बिकवाएगी।